आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 51वीं कड़ी। आज की कड़ी में आप सुनेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर वीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं विनीता ठाकुर। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। तो देखिए, इतना बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोगों ने ये पूरा कार्यक्रम सुना और इसकी नाट्य प्रस्तुति के कारण और भी ज्यादा अपील किया लोगों को और लोगों में एक जागरूकता के साथ साथ, कहते हैं ना कि जानकारी के साथ जागरूकता के साथ ये सारा चीज जब एक साथ मिल जाता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहता है लोगों के दिमाग में। किसी को भी अगर आप सिंपल वे में कुछ बताते हैं तो वो रजिस्टर उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आपने ये सोचा। अब ये तो प्रश्न होता ही है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कैसे एआई पर ये जो बातचीत है। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे कार्यक्रम जैसे हम अब तक करते आए हैं, जितने भी कार्यक्रम किए उन सब के अंदर हमने हमेशा कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जो समय परक हो, जो टाइम रिलेवेंट हो, जो उस वक्त जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। और इस सारे सीरीज़ में गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश हमारी यही रही कि कब और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले पाएं। बहुत सारे टॉपिक्स पे किया, जैसे अभी इससे पहले हमने वेदर पे किया था, विस्पर्स इन द विंड किया था और तमाम और कार्यक्रम किए थे। तो अब ऐसा लगा कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से पलक झपकने से भी जल्दी और तेज जो बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं, अगर हमने उसको उस वक्त नहीं पकड़ा तो शायद कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए हमने वो एक जो सीरीज थी जिसमें हमने एक बार कहीं देर ना हो जाए भी रखा था, उसका भाव लेते हुए आने वाला कल बनाया और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निकला। जिसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा डॉक्टर बी के त्यागी को कि ये उनके दिमाग की उपज थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था और इसको हम मूर्त रूप दे सके और इसको आज ऐसे पड़ाव पे आए हैं जहां अब ये लगता है कि ये कह पाना कि आज शायद इसका अंतिम पड़ाव है। सीरियल का हो सकता है पर भले ही कंटिन्यूटी हमेशा इसलिए रहेगी क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस रफ्तार से नए आकार, नए आयाम उसके रोज नए प्रस्फुटित हो रहे हैं, उससे तो बस यही लगता है कि अभी कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। तो त्यागी सर, अब आप रोशनी डालें। बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में रिसर्च हो रही है और बहुत सारे जो भविष्य में जो करियर की जो ऑप्शंस हैं, यानी कि रोजगार के लिए जो क्षेत्र हैं, वो भी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। और भारत सरकार ने भी, हमारे नीति आयोग ने भी कुछ एरिया को छांटा था जहां पर कि एआई का जो उपयोग है भरपूर तरीके से किया जाए। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए और ये जरूर था कि हमारे खासकर जो युवा वर्ग के जो हमारे श्रोता हैं वो पहले तो इस विषय को जानें कि ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं आसमान से आ गया। इसके साथ हम पहले से ही जी रहे थे, ये हमारे जीवन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। तो अगर हम 52 कड़ियों की जो श्रृंखला थी इसका एक स्वरूप देखें तो पहला जो सेगमेंट था जिसमें हमने कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम कहाँ तक अभी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में हमने 6-7 एपिसोड थे उसके बारे में बताया। और उसके बाद जो कहाँ कहाँ पे उसका जो उपयोग है एआई का अभी हो रहा है, जो हम कर रहे हैं पर बिना ये जाने कि वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है। तो जैसे हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं, रॉबोट्स हैं, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है कि आपने, मान लीजिए आपने कोई चेक दिया, किसी ने फ्रॉड कर दिया तो वो चेक आपने ही लिखा है या किसी ने आपके सिग्नेचर की नकल करी है, वो भी आपको बता देगा। ऐसे ही आवाज का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो उसकी उपयोगिता है वो क्या है और किस तरीके से आने वाला जो भविष्य होगा जहाँ पे हम जीवन के हर पहलू में
एआई का इस्तेमाल होगा, तभी हमने इसका जो टाइटल है आने वाला कल रखा था, यानी विजन में। हाँ बिल्कुल, कि हमारा जो आने वाला समय है, जो दशक होगा, वो बिल्कुल अभी से बिल्कुल चेंज होगा। क्योंकि पहले जो बदलाव आते थे समाज में उसमें सदियों लगती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं दशक से भी कम समय में जो है एकदम से सोसाइटी बिल्कुल बदल रही है। तो एक ये एक ऐसा क्षेत्र है जो इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि हम पीछे देखेंगे तो हमें लगेगा ही नहीं कि ये जीवन भी हम जीते थे और आज जो हम जी रहे हैं वो क्या है। मतलब कि आप देखेंगे कि क्वांटम जंप जिसको हम कहते हैं, ये उस तरीके का होगा भविष्य। अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि आप देखिए पहले किसी के भी स्मार्टफोन पहले कुछ लोगों के पास ही हुआ करता था, लेकिन आजकल हर तबके के लोगों के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो क्या ही जवाब है, क्योंकि आप देखिए आपको किसी पीजी, किसी हॉस्टल, किसी भी तरह की कोई तलाश है, आपको बस एक बार ढूंढना है, आप एक बार सर्च करते हैं, उसके बाद दे स्टार्ट कमिंग बैक टू यू। तो ये जो सिलसिला चलना शुरू हो जाता है वो सिर्फ एआई के कारण होता है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पहले थी, लेकिन ये धारावाहिक इस क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है एक मार्गदर्शक की तरह काम लिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इसमें जो रोचक बात थी वो ये कि उसके जो उपयोग हैं वो क्या हैं, और उसकी जो साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइंस है वो, और हमारे पुराने साहित्य में जो एक डायरेक्ट उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं कहा गया, लेकिन हमने अपनी जो कहानियां कही इस विषय को लेके, उन चरित्रों को एक ये नए पर्सपेक्टिव में, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर्सपेक्टिव था, उस नजरिए से उन कुछ पौराणिक चरित्रों पात्रों को भी देखा, जो कि बहुत ही रोचक अंदाज में लोगों को पसंद भी आया, और खुद ये लगा कि हाँ वो एक परिकल्पना बहुत पुराने समय से की जा रही थी, लेकिन उसको वो स्वरूप नहीं दिया गया था जो आज हम कह रहे हैं कि स्मार्ट मशीन, उसको नहीं, उसको एक ह्यूमन चरित्र के रूप में या कुछ और उसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आज हम जो स्मार्ट मशीन या लर्नेड मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद कुछ उस तरीके का वो रहा होगा। एक बहुत ही नोवेल अप्रोच था, और कारण है कि ये बहुत ही जल्दी क्लिक किया और लोगों को इंटरेस्ट आया इस पर। उसका कारण भी ये है कि देखिए जिंदगी के अंदर जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं, दबे पांव घुस आया है, और उसने खामोशी से आके अपने आप को एक अपनी जगह बना ली है, और उसका कारण भी बहुत स्वाभाविक इसलिए क्योंकि हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं, हमारी हमेशा कोशिश ये होती है कि हर चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकें। जितना हम ऑटोमेट करेंगे ज़िंदगी को, उतना ज़्यादा सुगम होती जाएगी, उतना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंस जो है बहुत सारी चीज़ों पे नहीं होगी, और हम और ज़्यादा कार्यक्षम हो पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ पाएगी। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी टर्न अराउंड टाइम एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, आपके काम में कंसिस्टेंसी आएगी, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो एक रूप होगा, समरूप होगा, और ना कि मैनुअल किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि उसके अंदर इनकंसिस्टेंसीज होती हैं, तो वो आपके पास या तो चीज़ बिल्कुल ठीक निकलेगी या बिल्कुल गलत निकलेगी, उसमें कहीं ऐसा विकल्प नहीं होगा कि थोड़ी ठीक थोड़ी खराब नहीं होगी। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर आपने ख़राब किया है तो आप उसको पूरी तरह से सुधार सकते हैं, एक बार में सुधार सकते हैं, बट अगर उसके अंदर खराब और ठीक मिक्स होगा तो आप उसको उसके टेंगल में आप फंस जाते हैं, उसके उसमें चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुप्रयोग इसका, जो हमारे जीवन में सब जगह हम सब देखते हैं कि किस तरह से हम अपना जो भी लिखते हैं पढ़ते हैं, अगर उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाते हैं तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल फ्लॉलेस निकलता है, उसके अंदर ग्रामर, सिंटैक्स, सिमेंटेक्स सारे एक साथ सही निकलते हैं। आज बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आप जो लिखते हैं उसको फौरन हाथ के यहाँ ठीक करते चलते हैं, और आपकी कॉपी जो निकलती है वो इम्पेकेबल होती है, बढ़िया होती है, उसको लोग मजे से फायदा उठाते हैं। और जो हमारा लास्ट सेगमेंट जो था इस धारावाहिक का, वो ये था कि आने वाले समय में इसका उपयोग जो है, कुछ क्षेत्र जो छांटे गए थे, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है, खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे हो, किन किन जगह पे हो, हेल्थ में, मेडिकल सर्जरी में, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपने सुना होगा, और कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज हैं वो किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जा सकती हैं, एजुकेशन में उसका एक जो छोटा सा टेलर है, हमने अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में देखा कि एआई जो है वो एजुकेशन सेक्टर में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर पाएगी, क्या क्या NLP हाँ, और क्या हमारा जो अभी जो पूरे इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड इस क्षेत्र में काम हो रहा है, तो ये कुल मिला जुला के हमारा प्रयास था इस एक अवेयरनेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्रिएट करी जाए।
आने वाला कल दरअसल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको आप जब सुनना शुरू करते हैं तो आधे घंटे का ड्यूरेशन कैसे बीता पता ही नहीं चलता। अभी भी मेरी इच्छा हो रही है कि मैं अपने श्रोताओं को फिर से थोड़ा सा भी नहीं मतलब एक झलक सा ही उन्हें सुनवा दे, तो सर क्या ये संभव है कि हम फिर से सुन लें? बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हमारे उस एपिसोड में जिसमें हमने ये बताने की कोशिश करी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। जी, उस टर्म को डिफाइन किया था। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो अब हमारे सभी ऑपरेशन में दिख ही रही है, पर क्या हमारे रोजाना के जीवन में भी एआई की कुछ भूमिका है? तुम दोनों का एआई पर डिस्कशन खत्म ही नहीं हुआ सर। मैंने सोचा था कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में सब निपट गया होगा, पर अब कश्मीर के अस्पताल में भी यही चर्चा जारी रहेगी। अब तो चलो पहला सवाल मेरा। आपका सवाल? पूछिए सर। तो कैप्टन श्रीकांत, ये इन मच्छरों में एआई की क्या भूमिका है? वाह मेजर राम, मैं भी बस यही पूछने वाला था। इन ड्रोन्स में एक कैमरा ही तो होता है, फिर इसमें एआई की क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं, इन मिनिएचर ड्रोन्स में सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि व्यक्ति को पहचानने की क्षमता भी होती है, जैसे कौन हमला करने वाला है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, और कौन आतंकवादी है और कौन आम नागरिक है। ये तक पहचान हो सकती है एआई से? हाँ भाई, अगर पुराना रिकॉर्ड हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहचान हो सकती है, पर अगर कोई रिकॉर्ड ना भी हो तो भी ये एआई व्यक्ति के आक्रामक रवैये से भी उसे पहचानने में सक्षम है और इसी से हमलावर या आतंकी की पहचान कर लेती है। पर कैसे? राम सर, इसी के लिए तो डाटा जमा किया जाता है। ये डाटा लाखों करोड़ों लोगों का होता है जिसमें उनकी भाव भंगिमा, हाव भाव आदि का डाटा होता है। बस हमारा मच्छर इसी से सब पता करता चलता है और हाँ, हमें चुपचाप आतंकियों की लोकेशन भी दे देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रीकांत, मैंने सुना है कि हम रास्ता ढूंढने के लिए जो ऐप या सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो सारा एआई पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा आपने मेजर राम। अब देखिए, आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ता जानने के लिए ऐप का उपयोग करते हैं, और आपको रास्ता बताने वाला ऐप पहले तो आपसे ये पता करता है कि आप जा कैसे रहे हैं, पैदल, मेट्रो से, बस से, मोटरसाइकिल से या कार से। हाँ, ये तो बताना होता है, और मैडम भी कुछ ना कुछ पूछती रहती है। अरे राघव जी, आप ये भी चयन कर सकते हैं कि आपको मैडम या सर की आवाज सुननी है, जो आपको पसंद हो। हाँ, अब तो ये सुविधा भी है। तो मैं कह रहा था कि आप कैसे यात्रा कर रहे हैं, इससे वो ऐप आपके लिए सबसे छोटा रास्ता ढूंढकर बताता है। और इसके लिए क्या ये ऑफिस का टाइम है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या कोई वीआईपी का मूवमेंट है या कोई मेला लगा है, इस तरह के कई डाटा वो आपको दिखाता है, समझाता है, और एक उपयुक्त निकाल कर उसे सबसे जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचने में मदद करता है। अरे श्रीकांत जी, एक बार तो मैडम ने मुझे रॉन्ग साइड से छोटा रास्ता बता दिया था और वहाँ खड़े थे ट्रैफिक पुलिस वाले। अच्छा। मैडम ने चालान कटवा दिया था। राघव जी, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी कृत्रिम, पर आपकी अकल तो असली है, अरे उसका उपयोग भी कर लो, फिर कहोगे कि एआई भरोसे लायक नहीं है। वैसे सर आपने सही कहा, असल में जो डाटा हम दे रहे हैं उसी के अनुसार एआई का दिमाग तैयार होता है। राइट। अब कई वाहन चालकों ने, खास तौर से टैक्सी वालों ने ही ये शॉर्टकट ढूंढा था और उपयोग किया। अब जब चालान कटने शुरू हुए तो सब सही रास्तों पर चलने लगे। अच्छा। और ऐप ने भी सही रास्ते बताने शुरू कर दिए। वैसे ये सॉफ्टवेयर हमेशा गलत साइड से जाने को मना ही करता है। एआई जो है बिल्कुल सपनों जैसा ही लगता है, अनइमेजिनेबल लगता है। ये कैसे राइट इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ इट हैपेंड, इस पर भी एक एपिसोड है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आईओटी का फायदा ये है कि ऐसा नेटवर्क जिसमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए मानव से मानव या मानव से कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। मतलब जैसे आपको कुछ भी डाटा डालने के लिए कंप्यूटर खोलकर टाइप करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा। जैसे आप कितना चले, किससे मिले, कहाँ कहाँ गए, ये सब जानकारी ऑटोमेटिक स्टोर होती जाएगी। अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा श्रीकांत। अब देखिए, जैसे किसी व्यक्ति के दिल में हार्ट मॉनिटर लगा है, या किसी गौशाला में गाय में बायोचिप लगी है, या किसी कार में सेंसर लगा है जो ड्राइवर को कार में हवा कम होने की जानकारी दे सके। हाँ, और अब बायोचिप आदमी में भी लगनी शुरू हो चुकी है। हाँ, जिससे वो कब ऑफिस आया, कब गया, सारा हिसाब रखा जाता है। इसके अलावा उसकी कलाई में लगी इस चिप से किसी भी कमरे या ऑफिस का दरवाजा खुल सकता है। अरे?
और ये पता चल सकता है कि कितने बजे वो व्यक्ति लैब या ऑफिस में कहाँ था। अच्छा, हाँ, आदमी में ही कंप्यूटर जैसी चिप डल रही है। कमाल है, पर इसका फायदा क्या होगा? ये तो समझ में आया कि नजर रखी जा सकती है, अटेंडेंस हो सकती है, और क्या हो सकता है? राघव जी, ये पूरी आईओटी प्रणाली किसी भी उद्योग या कार्यालय को बेहद दक्ष बना देती है। साथ ही कस्टमर सेवाओं में सुधार, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार और मानव कम समय में, कम मेहनत में अधिक काम कर सकेगा। बिल्कुल। और उसके काम का बहुत सा बोझ तो कंप्यूटर ही ले लेगा। हाँ, लेकिन इसमें एआई की भूमिका भी तो होगी। हाँ राघव जी, बिल्कुल होगी। अब सभी को जोड़ा जा रहा है, एआई के द्वारा मशीन सीखती है, अब मानव की कई बातें मशीन सीखने लगी है। और मशीन कंप्यूटर, रोबोट आदि पक्षपात भी नहीं करते। एनएलपी पर कुछ सुन सकते हैं? बिल्कुल, और उसमें हैंडराइटिंग जो रिकॉग्निशन है, स्पीच रिकॉग्निशन है। असल में नैनो मतलब होता है बेहद सूक्ष्म। बिल्कुल, यानी 1 मीटर का 10^9। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक बाल को लेकर उसके मोटाई से 80,000 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा नैनो स्तर का होगा। इतना छोटा, ये तो दिखेगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं राघव, नैनो तो आजकल बेहद छोटी वस्तुओं को कह दिया जाता है। लेकिन ये नैनो किलर्स करीब 3/3 इंच के होते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होगी ये और छोटे होते चले जाएंगे। कमाल है, तो एआई के मामले में काफी कुछ हो रहा है। हाँ राघव जी, भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य एआई के द्वारा भारत में आर्थिक बदलाव करना है। एआई का सबसे अधिक लाभ लघु व मध्यम उद्योगों को मिलेगा, और इसके अलावा ग्राहकों से सीधे बात करने के लिए पर्सनलाइज्ड एआई प्रणालियां भी विकसित की जा रही हैं। बिल्कुल। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार भी शिक्षा संस्थानों के एआई प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा युवा उद्यमियों के लिए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एवं डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्कीम चलाई जा रही है, जिससे तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा सके। अच्छा जी, इतना कुछ हो रहा है। हाँ राघव जी, और डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के तहत एआई पर काम करने वाली कंपनियों के लिए कानून को काफी लचीला बनाया गया है, जिससे एआई के क्षेत्र में देश में अच्छा काम हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, इन टेक्नोलॉजीज में 36% बड़ी वित्तीय संस्थानों ने निवेश किया है, और जल्द ही अन्य 70% भी निवेश करने के लिए तैयार है। कमाल है। ऐसे बहुत सारे जो हर एक पर एक एक एपिसोड हमने किया था जी, डीप लर्निंग पे, कि जो जैसे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, उसी तरीके से बहुत सारे सिस्टम को मिला के एक पूरा नेटवर्क बनाए जाने की कोशिश करी जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे जी, कि खुद से ऑब्जर्व करे और खुद से वो फिर अपना डिसीजन खुद से ले। तो स्मार्ट मशीन या इंटेलिजेंट मशीन जिसको हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने यही बताया था कि कुछ मशीनें ऐसी हैं जो लिमिटेड तरीके से काम कर सकती हैं, बट वो मशीनें खुद देखेंगी और खुद सोचेंगी और फिर अपना एक्ट करेंगी। कुछ खेलों में कृत्रिम बुद्धिमता का प्रयोग आंकड़ों के भंडारण करके किया गया। यह है 1978 की बात, जब वीडियो पर खेले जाने वाले खेलों में सिमुलेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। और जानते हो, 1980 में पैकमैन ने ऑर्केड खेलों में धूम मचा दी थी। मिस्टर रुम्बा, यस, कृपया थोड़ा और उन खेलों के इतिहास पर रोशनी डालोगे? अवश्य। जानते हो, वीडियो गेमों में एआई का प्रयोग नहीं होता था। होता कहां से? उस समय कृत्रिम बुद्धि की कल्पना भी नहीं हुई थी। उस समय पहले वीडियो गेम को टेनिस फॉर टू का नाम दिया गया था। हाँ, टेनिस दो के लिए। कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग वीडियो खेलों में सबसे पहले पोंग, स्पेस इन्वाडर और डंकी कॉन्ग जैसे खेलों में किया गया था। वाओ, क्या नाम है। हाँ हाँ, जैसा नाम वैसा काम। क्या बात है। कुछ ऐसे एपिसोड्स भी हमारे रहे जहाँ हमने बहुत सारे ऐसे अनुप्रयोगों के बारे में बात करी,
जो बहुत ही हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं और जगह जगह हम उनको देखते हैं, महसूस करते हैं। जिसे हमने जैसे कहा, हमने महसूस किया कि हमारे जीवन की कार्यक्षमता को जिस तरह से बढ़ाया। और अब होता क्या, ये दिल मांगे मोर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ। तो आप जितना करें उतना उसमें जैसे कहते हैं जिन पालना, हाँ। तो वो उस तरह की ये गहरी पेंट है। और वो अनुप्रयोग वाले बहुत सारे ऐसे एपिसोड थे जिसके लिए हमको ढेरों पत्र मिले, जिससे ये पता लगा कि वो कितना पसंद किया गया। और मेरे ख्याल से उसको भी थोड़ा सुन लिया जाए तो मजा आ जाएगा। आगे सुनते हैं इसकी कुछ झलक। सर्च इंजन पर जाकर आप उससे कोई भी सवाल करते हैं तो तुरंत उसका जवाब आता है। ये लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। आजकल ये सुविधा कई रूपों में उपलब्ध है। इन सब में NLP की बड़ी भूमिका है। भाई सतीशन जी, हमें इसके बारे में बहुत कम ज्ञान है, थोड़ा और बताओगे? जी पापा, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। पापा, जब आप ईमेल खोलते हो तो वहां आपको ईमेल असिस्टेंट, ऑटो सुधार, व्याकरण की सुविधा, स्पेलिंग में सुधार, स्पैम मेल को छांटने जैसी कई सुविधाएं मिल जाएंगी। हाँ हाँ, अरे यहाँ तक कि सेंटेंस को अपने आप पूरा करने की सुविधा भी मिल जाएगी। जी पापा। माई पापा इज ग्रेट, वो सब जानते हैं। सर्च इंजन में जब हम टाइप करने लगते हैं तो वो खुद ही आगे का वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर भी NLP की तकनीक काम करती है। हाँ बेटा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल e-commerce भी इसी तकनीक के सहारे आगे बढ़ रही है। कोविड काल में तो तुम्हारी मम्मी बाजार जाना ही भूल गई थी, सारी खरीदारी ऑनलाइन करने लगी हैं। सभी की बल्ले बल्ले है। सच्ची, अब तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है। लेकिन कोविड में हम चिकित्सकों की समस्याएं बढ़ गई, काम भी और जिम्मेदारियां भी। लेकिन पापा, आपकी फ्रेटर्निटी बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। कोविड काल में वो किसी योद्धा से कम नहीं है, हमें आप पर गर्व है। हाँ, जी पापा। शुक्रिया बेटा। NLP तकनीक अवश्य ही भाषा और बोली का समाधान कही जा सकती है। जब तुम्हारी मम्मी वहाँ आएंगी तो निश्चय ही बड़ी मददगार साबित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं पापा, मम्मा को कोई समस्या नहीं होगी। पापा, जब हम ऑनलाइन किसी वस्तु या जानकारी के लिए खोज करते हैं ना, तो खुद ही हम सूचनाओं के भंडारण में कुछ न कुछ नया जोड़ते रहते हैं। इससे उपभोक्ताओं का स्वभाव, उनकी आदत और पसंद के बारे में भी पता चलता है। पापा, ये देखिए मेरे स्मार्टफोन में ऐप, इसमें आप कुछ भी बोलते हैं वो सारी बातें टेक्स्ट में बदल जाती है। अरे वाह। जी वाह, क्या तकनीक है, जो हमने बोला वो सब टेक्स्ट के रूप में टाइप हो गया, जैसे किसी ने लिखा हो। अरे बेटा, ये तो अपराधियों को पकड़ने में भी सहायक हो सकता है। हाँ पापा, बिल्कुल सही, अपराध के पीछे का सच जानने के लिए सहायक हो सकता है। तो आइए सुनते हैं, कुछ झलक लेते हैं और फिर अपने उन खूबसूरत दिनों को याद करते हैं जब हमने इस पूरे एपिसोड्स को ध्यान से सुना था। यांत्रिकी बुद्धि, पहली बार सुना है क्या? कल भी मशीन में तैयार होने लग गई। अरे क्यों नहीं साहिबान, क्यों नहीं, ये सब कमाल है, कमाल है मेरी जादूगरी का, मेरी बाजीगरी का। उस्ताद, तकनीक का जमाना है, सारी हेरा फेरी पकड़ी जाएगी। चमुरे उस्ताद, सही पकड़े, ये कोई हेरा फेरी नहीं, हाथ का कमाल। चमुरा बड़ा उस्ताद है, हर जगह गलती तलाशता है। उस्ताद गलती नहीं, सवाल करता हूँ और यही विज्ञान सिखाता भी है। ये जमुरा नहीं, आज की पीढ़ी का पढ़ा हुआ इंसान है। क्या कहा साहिबान, यही तो मैं बताने आया हूँ। उस्ताद मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे याद है आपने हमारे कॉलेज में व्याख्यान दिया था कि अपराधी अपने पीछे कई लूप होल छोड़ जाता है। तुम थे वहाँ? हाँ हाँ मैडम, ये मेरा बेटा प्रताप है और अपराध विज्ञान में BSc कर रहा है। अच्छा, फिर तो प्रताप को मालूम होगा। हमें फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में डॉक्यूमेंट और हस्ताक्षरों की सत्यता की जांच करवानी होगी जी। और इसके लिए मैं इसी बार कोर्ट से आदेश करवाने की गुजारिश करूंगी। मैडम, पुलिस थाने से भी पिछले सप्ताह इंक्वायरी ऑफिसर आया था। मैंने अपना पक्ष रख दिया था, वो भी दस्तावेजों की जाँच कराने की बात कर रहा था।
आप चिंता मत करो, कोर्ट के आदेश से ये सारा काम पुलिस ही करवाएगी। देखो, रजिस्ट्री और लीज डीड पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ही की गई है। पुलिस को प्रयोगशाला में यही सत्यापित करवाना है कि उस पर किए गए हस्ताक्षर रमा कृष्णा के ही हैं या किसी और ने किए हैं। ये जो सीरियल था आने वाला कल, इसकी आपको झलक सुनवाई जो निश्चित तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि अगली कड़ी में हम आपके समक्ष फिर आएंगे और आपके पत्रों के साथ होंगे। हमारे साथ आज जो प्रबुद्ध लोग आए हैं विज्ञान प्रसार से, डॉक्टर बी के त्यागी और डायरेक्टर विज्ञान प्रसार के डॉक्टर नकुल पराशर जी, ये लोग उस वक्त भी अगले एपिसोड में भी आपके साथ रहेंगे और आपके पत्रों का हम जवाब देंगे। और इसके साथ आज मुझे इस वक्त दें इजाजत, अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आने वाला कल, अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 51वीं कड़ी सुन रहे थे। आज की कड़ी में आपने सुनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इस श्रृंखला पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान प्रसार। परिचर्चा का संचालन कर रही थी विनीता ठाकुर, निर्माण और प्रस्तुति पंकज पति पाठक, प्रस्तुति सहायक गब्बर सिंह। कार्यक्रम से संबंधित आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने विचार हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।